एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर यूके पुलिस एक मुसलमान लड़के को गिरफ्तार करके लेके जा रही है और उस वीडियो का जो तनाजर है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। आपको ये वीडियो लंदन से शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले जो कि काफी ज्यादा तादाद के अंदर वहां पे मौजूद हैं, उनको एक मुसलमान बंदा नजर आता है जो कि फुटपाथ पे ऊपर, और उसको बकायदा तमाम सीसीटीवी कैमराज और तमाम जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाले जर्नलिस्ट हैं और जो आम लोग वहां से गुजर रहे हैं उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की। उसके अंदर देखा जा सकता है कि उस बंदे को हैंडकफ लगा के बकायदा तौर पर पुलिस की गाड़ी के अंदर बंद कर दिया गया है और लोग वहां पे शोर कर रहे हैं, शोर रोला डाला हुआ है लोगों ने सारा, लेकिन उस बंदे को बकायदा तौर पे पुलिस की गाड़ी में बंद कर दिया गया है। लेकिन वहां पे जब वीडियो वायरल होती है उसके अंदर कुछ लोग कहते हैं कि ये पुलिस वैसे ही फिल्म कर रही है या वैसे उन्होंने कुछ रिकॉर्ड करना था या वो जानबूझ के ऐसे फिल्म को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ अपना उनका पर्पज था। लेकिन यहां पर बात होती है कि उस मुसलमान बंदे को जो बकायदा तौर पर वहां पर लग रहा है, और ये कॉमेंट्स के अंदर भी बताया गया कि उसको क्यों गिरफ्तार करके गाड़ी के अंदर लेके जाया जा रहा है, ये ऐसी फिजा क्यों जो है वो फैलाई जा रही है या ऐसी नफरत अंगेज वीडियोस क्यों एकदम से वायरल की जा रही है, पहले रोमानिया की फैमिली के साथ, फिर मैनचेस्टर में पाकिस्तानी फैमिली के साथ, अभी ये कोई अरबिक लड़का लग रहा है इसके खिलाफ, ये क्यों ऐसी सारी सिचुएशन को क्रिएट किया जा रहा है। असल में बात वही है कि जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो इस तरह की चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती है। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई नॉलेज है या कुछ जानते हैं कि यह वीडियो क्यों वायरल की जा रही है, तो आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।